हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम टू मैथ्स क्लासेस स्टैंडर्ड 10th ऑफ नोबल स्कूल। यू नो दैट प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 हम कर रहे थे, nth टर्म वाला फॉर्मूला किया था, ठीक है। फिर अब उसमें आगे सम क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एपी गिवन है। 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. इस AP का कौन सा term? Which term बोला है? Which term? How many term? मतलब आपको n find out करना है। क्या find out करना है? n. लेकिन n कैसे find out करोगे? वो term जो है, which term will be 132 more than its 54th term? Given term जो है वो given term अब तक सम किए थे उसमें डायरेक्ट सम गिवन था, एन फाइंड आउट करना था, लेकिन इसका रिलेशन गिवन है 54th टर्म से 132 मोर ज्यादा है। तो सबसे पहले एपी गिवन है, आपको पता है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी दो चीजें? ए एंड बी। तो पहले मैं ए लिख लूंगा फिर बी लिख लूंगा, ठीक है। सो ए, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का? 3। फिर डी, डी का फॉर्मूला है a2 - a1। a2 कितना है? 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। डी की वैल्यू कितनी आई? 12। अब नाउ अब सिचुएशन क्या गिवन है? विच टर्म, लेट उसको nth टर्म बोल देते हैं, तो उसे कहूंगा ए एन। nth टर्म का मतलब है ए एन will be 132 more than its 54th term। ये जो है उसके 54th term को हम सिंबल में कैसे लिखेंगे? A54। A54 से कितना ज्यादा है? 132। क्लियर? तो चलिए, an का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू। A54 का फॉर्मूला भी आपको पता है, a प्लस 53b प्लस 132। अब दोनों साइड वैसे तो ए ए कट हो जाएगा, लेकिन आप पहले वैल्यू रखना चाहे तो वैल्यू भी रख दीजिए, डायरेक्ट कट ना करना चाहे तो। 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू रख देनी है हमें। डी की वैल्यू कितनी है? 12। तो यहां पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। ये 3 को उधर लेके जाओ, प्लस है कैसा हो जाएगा? माइनस। तो एन माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 53 इंटू 12 कीजिए, 53 इंटू 12 करेंगे तो 530 प्लस 106 मतलब हो जाएगा 636। 636 प्लस 132 एंड प्लस 3 उधर गया, कैसा हो जाएगा? माइनस 3। तो ये 3 माइनस 3 जीरो हो गया। इन दोनों का सम कर लो, बिकॉज ये लाइक टर्म्स है। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये 12 मैं उधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में डिवीजन में, बट 636 प्लस 132 का सम कर लो पहले। 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 1 7 6 8 अपॉन 12। अब इसको डिवाइड करो, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करो, 12 6 जा 72, 4 रिमेन्स 48, 12 4 जा तो 64 आंसर आएगा n माइनस 1 का। लेकिन अभी माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। सो n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1 मतलब हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 65। मतलब ये हुआ कि 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। आप बोलोगे सर 11 के बाद 13, हाँ 12th वाला थोड़ा सा हम जो मेथड कर रहे हैं उससे अलग सम है, वो हम लास्ट में लेंगे। एक और भी होगा, दो सम लास्ट में लेंगे। पहले 13th टर्म ले लेता हूँ, 13th सम सॉरी। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, पहले तो कितने, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7? डिविजिबल बाय 7 जो नंबर्स हैं उसमें से थ्री डिजिट वाले कितने होंगे?
तो सबसे पहले तो थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 100 से, एंड खत्म कहां पे होते हैं, 999 पे। तो आपको कहां से स्टार्ट करना होगा, पहले तो आप 100 को डिवाइड करो 7 से, डिविजिबल है या नहीं देखो, बिकॉज इसमें थ्री डिजिट वाले ऐसे ही लेने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। 7 वन जा 7, 10 माइनस 7 मतलब 3, ऊपर से आया 0, 7 फोर जा 28, तो ये हो गया 2 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 2 आया, तो 7 बनाने में अभी कितने घट रहे हैं, तो 5, तो 100 में 5 ऐड कर दो, सो थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर गिवन बिलो। अब वो कौन कौन से होंगे वो हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। पहला कौन सा आएगा, 105, कौन सा आएगा, 105, बिकॉज रिमाइंडर 2 आया, 2 में कितने ऐड करो तो 7 आते हैं, तो 5, सो इट इज 100 में 5 ऐड कर दो, तो 105 पहला नंबर होगा। फिर 112, अब 77 ऐड करते जाना है क्योंकि 7 के डिविजिबल है। देखिए ये सब चेंज करके भी पूछ सकते हैं, 8 का, 6 का, 9 का, किसी का भी डिविजिबल पूछ सकते हैं, वो आपको आना चाहिए, मेथड समझ लेना। फिर होगा 119, फिर कंटिन्यूअसली लास्ट तक जाना है, लास्ट डिजिट, थ्री डिजिट वाला डिजिट कौन सा है, लास्ट 999, अब उसको डिवाइड करके देखो 7 से वो डिविजिबल है या नहीं है। 7 से डिविजिबल, 7 वन जा 7, 9 माइनस 7 2, ऊपर से आया 9, 7 फोर जा 28, 29 माइनस 28 मतलब हो जाएगा 1, ऊपर से आया वापस 9, 7 2 जा 14, अब इसमें जो रिमाइंडर है वो 5 आया, 5 रिमाइंडर है, तो इसमें जो रिमाइंडर आया उसे इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो लास्ट नंबर कौन सा आएगा, 994, ये जो है वो आपका 7 से डिविजिबल लास्ट नंबर होगा। तो ये देखिए आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये एपी बन गई, क्या बन गई, एपी, विच मेक्स एन एपी, तो इसमें आप एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, विच मेक्स एन एपी। तो अब हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, थ्री डिजिट नंबर्स जितने भी हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे, 105 से स्टार्ट होता है, 994 पे खत्म होता है, तो कितने नंबर्स हैं ये, हाउ मेनी नंबर्स, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन, तो एन के लिए ए एन बी, ए की वैल्यू ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कौन सा है 105, फिर डी इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल्स टू 112 माइनस 105, तो ये हो जाएगा 7, डी की वैल्यू कितनी आई 7। अब क्या करेंगे, नाउ लेट ए एन, लास्ट टर्म को ए एन बोल देंगे, कौन सा टर्म है 994, जैसा प्रीवियस करते थे 994, और ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994, अब ए की वैल्यू कितनी है 105, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है एन माइनस 1, ऐसा ही डी की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल्स टू 994, 105 को साइड चेंज करवाओ प्लस है कैसा होगा माइनस, सो एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105, ठीक है 994 माइनस 105 करो क्या आंसर आता है बताओ मुझे, ठीक है मैं करूंगा तो आएगा 889, चेक कर लेता हूँ एक बार वापस वही आएगा ना, 89 प्लस 5 94 100, यस ठीक है। अभी 7 को साइड चेंज करवा मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में, सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 889 अपॉन 7, इसे डिवाइड करो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 वन जा 7 1 रिमेन्स 18, आपको अगर सीधे नहीं आता तो रफ वर्क में कर लेना, ठीक है 7 वन जा 7 मैंने 1 लिख दिया, 8 माइनस 7 1 रिमेन्स, ऊपर से आया 8 18, सो हो जाएगा 7 2 जा 14, 18 माइनस 14 मतलब 4 रिमेन्स, ऊपर से आया 9 49, 7 7 जा 49 127, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 127 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 128, सो
128 थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, सम इज ओवर। क्लियर है। इसके बाद का सम नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स भी वही होगा डिविजिबल, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में लेने हैं, उसमें थ्री डिजिट का नहीं बोला, तो डिविजिबल बाय 4, 10 से स्टार्ट करो, 10 जो है वो 4 से डिविजिबल है नहीं है, 11 है नहीं है, 12 है तो हाँ है, तो 12 पहला आएगा, फिर 4 से डिविजिबल है तो क्या ऐड करते जाओगे, 4 4 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, 12 16 20 24, ऐसे करते करते कहां तक जाना है, लास्ट है 250 पर, बट 250 डिविजिबल है या नहीं 4 से वो तो देखो, 4 6 4 नहीं है, तो उसमें आएगा 248 आएगा लास्ट टर्म, क्या आएगा 248, इसके जैसे ही लिखना है, नंबर सॉरी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर गिवन बिलो, इसके जैसे लिखना है, फिर लिस्ट विच मैक्स एन एपी, ए डी लिख लेना है, फिर उसका लास्ट टर्म जो 248 है, एन इज इक्वल टू 248 लेके सिंप्लीफाई करना है, उसमें भी हाउ मेनी मल्टीपल्स या ऐसा कुछ पूछा, हाउ मेनी तो हाउ मेनी नंबर मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म जो होगा उसको ए एन ले लेना है। क्लियर है। तो ये सम भी हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में आंसर बता देता हूँ, उसमें एन इज इक्वल टू 60 आएगा, अगर कोई डाउट हो ना हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करना, ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो। चलिए आप आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन दी एपी, एपी फाइंड आउट करनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड दी सेवंथ टर्म एक्सीड्स दी फिफ्थ टर्म बाय 12। आपको बताया था किसी भी सम में ए एंड डी आर वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो इसमें ए एंड डी, एपी गिवन होती तो हम ए एंड डी लिख लेते, लेकिन यहाँ पे एपी भी गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, जो गिवन है उसे सिंबल में लिखो, क्या गिवन है, थर्ड टर्म इज 16 मतलब ए थ्री इज इक्वल टू 16 गिवन है, फिर सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवंथ टर्म ए सेवन जो है वो फिफ्थ टर्म मतलब ए फाइव से कितना ज्यादा है 12। अब मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस 5 को इधर लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा माइनस, मालूम है ना क्वेश्चन 10 प्रीवियस वीडियो में किया था, ए सेवन माइनस ए फाइव इज इक्वल टू 12, ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, टर्म्स की वैल्यू नहीं गिवन है, तो डी के फॉर्मूला में आप इसे यूज कर ही सकते हो, डी इज इक्वल टू ए सेवन माइनस ए फाइव अपॉन सेवन माइनस फाइव, ए सेवन माइनस ए फाइव की डायरेक्ट वैल्यू कितनी है 12, अपॉन सेवन माइनस फाइव क्या होगा 2, सो डी इज इक्वल टू 26 या 12, डी की वैल्यू क्या मिली 6। अब क्या करना है, ए थ्री का यूज करो, ए थ्री इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 16, ए थ्री का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 16, अभी डी की वैल्यू तो है आपके पास वो रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस टू इंटू 6 इज इक्वल टू 16, टू सिक्स का क्या हो जाएगा ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16, प्लस 12 का उधर लेके जाओ कैसा होगा माइनस, सो ए इज इक्वल टू 16 माइनस 12, सो ए इज इक्वल टू 4, अब फर्स्ट टर्म एंड डी मिल गया, सो देयरफॉर एपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या है 4, फिर डिफरेंस कितना है 6 का, तो 6 ऐड करते जाओ, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, सो ऑन, ये मिल गई एपी एंड सम इज ओवर। ए एंड डी इंपॉर्टेंट है, आपको ए एंड डी कैसे फाइंड आउट करना है वो आना चाहिए, एंड उसके सिर्फ 2 या 3 ही फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन दिमाग चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे आप एक ट्रिक के बिना करोगे तो बहुत लेंदी होगा, मैं ट्रिक के साथ ही करवाऊंगा। फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म मतलब ए 20 फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3813, मतलब उल्टे से रिवर्स से लास्ट से 20 का जो टर्म आता है वो फाइंड आउट करना है, तो आप बोलोगे सर वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है, जब भी लास्ट से टर्म पूछा हो लास्ट से, तो
तो क्या करना है, सबसे पहले मैं एपी लिख देता हूँ। एपी क्या है, ईयर एपी इज 3/8/13 to 2/53। अब रिवर्सिंग दिस एपी, इस एपी को रिवर्स करो, मतलब उल्टे से लिखना है, रिवर्सिंग दिस एपी, तो क्या हो जाएगा 253। अब देखिए रिवर्सिंग करने में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 + 5 = 8, 5 इंक्रीज होता है, 8 + 5 = 13, फिर आएगा 18, 5 इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें हम अगर रिवर्स करते हैं उल्टे से आएंगे तो 5 क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे लिखना है 248, 243, up to 3। अब लास्ट से कहा है ना, तो हमने लास्ट से एपी को भी लिख दिया, अब बस ये सीधा हो गया हमारे लिए क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसका 20th टर्म फाइंड आउट करना है, इस एपी का, गिवन एपी का नहीं करना, ये रिवर्स करने के बाद। तो अब देखिए ए की वैल्यू पहले तो लिख लीजिए, ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, मतलब हो जाएगा 253। फिर डी की वैल्यू है a2 - a1, a2 कितना है 248 - a1 253, सो ये हो जाएगा -5, डी की वैल्यू -5। अब उसमें मत देखना, आप इसको ध्यान में रखना। अब फाइंड आउट क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से हमने एपी लिख ली है, तो अब सीधे से 20th टर्म। नाउ 20th टर्म का फॉर्मूला बताया ना आपको, 20th टर्म का सिंबल होता है a20, a20 का फॉर्मूला होगा a+19b, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, इधर 253 + 19 × d, मतलब होगा -5, और 253 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -19, 5 का क्या होगा 95, 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करो तो हो जाएगा 158, a20 = 158, ठीक है। लास्ट से इसका 20th टर्म हो गया 158 एंड सम इज ओवर, क्लियर है। तो आप ये लिख लो, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिखा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। यहाँ पे फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम 24 गिवन है, a4 + a8 = 24। फिर आगे गिवन है 6 एंड 10th टर्म का सम 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, पहले तीन टर्म में फर्स्ट टर्म मतलब a, सेकंड टर्म a+d, थर्ड टर्म a+2d, फिर a एंड d तो चाहिए ही, तो a एंड d फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, a4 हम पहले मैं इसका यूज करता हूं, दूसरा जो गिवन है 6th एंड 10th टर्म का सम 44 उसका मैं बाद में यूज करूंगा। a4 का मतलब क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है ना, a+3d, फिर ये प्लस का प्लस, a8 का फॉर्मूला a+7d = 24। अब आप बोलोगे सर a एंड d दोनों नहीं है, हाँ मालूम है मुझे, तो इसमें से एक इक्वेशन बनाना होगा, फिर एक इक्वेशन इसमें से बनेगा, वो कैसे वो मैं बता रहा हूँ। a+a लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, a+a क्या हो जाएगा 2a, +3d + 7d क्या हो जाएगा +10d = 24। अब देखिए सब में से 2 कॉमन आउट हो रहा है, या तो ऐसा ही रहने दीजिए, +10d को उधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा -10d, 2a = 24 -10d, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अब आगे एंड दूसरा आपको क्या गिवन है, 6th टर्म एंड 10th टर्म का सम 44, तो a6 + a10 = 44। जैसा इसमें किया था वैसा इसमें फॉर्मूला, a6 मतलब a+5d, प्लस का प्लस a10 मतलब a+9d = 44। सम a+a लाइक टर्म्स का 2a, 5d प्लस 9d प्लस 14d = 44, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में देखिए 2a की जगह पे है 24 माइनस 10d, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे, putting value of equation 1 in
इक्वेशन टू, तो चलिए वन की वैल्यू टू में रख दीजिए, टू ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 24 माइनस 10 डी, फिर प्लस का प्लस क्या है 14 डी, तो प्लस 14 डी इक्वल टू का इक्वल टू, फिर है 44। अब इसमें लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये 24 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स में आपको पता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट का होता है, माइनस 10 प्लस 14 का हो जाएगा प्लस 4, प्लस 4d इज इक्वल्स टू 44। 24 को उधर लेके जाओ, प्लस है कैसा होगा माइनस, सो 24 इधर आएगा 4d, 4d इज इक्वल्स टू 44 माइनस 24, 44 माइनस 24 क्या हो जाएगा 20, तो 4d इज इक्वल टू 20, 4 को उधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में 20 अपॉन 4, सो d इज इक्वल टू 5, d 5 मिल गया, लेकिन हमें तो a भी चाहिए, तो इक्वेशन 1 में d की वैल्यू 5 ले लो तो a मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 10 इंटू डी, डी की वैल्यू 5, सो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 50, 24 माइनस 50 का आंसर लोगे तो वो आएगा माइनस 26, एंड प्लस माइनस माइनस आंसर में साइन बिगर टर्म की। अभी 2 को उधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में, a इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 2, सो a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 13, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 13। अभी फर्स्ट टर्म मिल गया, सो आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स लिखने हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस 13, सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, प्रीवियस टर्म में डी एड करो, माइनस 13 में प्लस 5 करो तो माइनस 13 प्लस 5 का आंसर हो जाएगा माइनस 8। सेम वे थर्ड टर्म इज, आप फॉर्मूला लेके करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d लोगे तो भी आंसर यही आएगा, थर्ड टर्म होगा माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3। ये फर्स्ट थ्री टर्म्स मिल गए एंड सम इज ओवर, ठीक है, ये सब लिख लीजिए फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, सम नंबर 19 पे जाते हैं। सम नंबर 19 में कुछ ऐसा गिवन है, सुबाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुबाराव ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया, उसकी एनुअल सैलरी कितनी है 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल ₹200 का क्या होगा इंक्रीमेंट। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, उसकी इनकम 7,000 कब होगी, तो सबसे पहले आंसर में हियर इनकम ऑफ सुबाराव इन फर्स्ट ईयर में कितनी इनकम है, उसकी सैलरी कितनी है ₹5,000। इन सेकंड ईयर में कितनी होगी, तो फर्स्ट ईयर में 5,000 है, फिर एवरी ईयर 200 का इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब 5,000 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 5,200, ठीक है। फिर इन थर्ड ईयर वापस 200 का इंक्रीमेंट मिलेगा ₹5,400, ऐसा चलता रहेगा, लेकिन हमें ये 7,000 कितने साल के बाद होता है वो पता करना है, सो देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स आर एज फॉलोस, क्या लिस्ट बनेगी, 5,000, 5,200,
5400, सो ऑन, कंटिन्यू में रखता हूँ 5600। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कौन से साल में 7000 इनकम होगी। मतलब ये देखिए, ये इसके टर्म में ये एपी बनता है क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट 200, सो विच मेक्स एन एपी, विच मेक्स एन एपी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कौन से साल में 7000 होती है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन, एंथ टर्म आपको 7000 गिवन है, आपको एन फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म 7000 होगा। तो सबसे पहले मैं ए एन डी लिख लेता हूं, ए इज इक्वल टू 5000, डी का फॉर्मूला क्या है, ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है 5200 माइनस ए वन मतलब 5000, सो आंसर आएगा 200, डी की वैल्यू है 200। अब लेट ए एन इज इक्वल टू 7000, समझ लो कि एंथ ईयर में उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाती है, मतलब एंथ टर्म इज 7000। तो अब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा 7000। अब ए एन डी की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 5000, फिर प्लस का प्लस, अब हमें एन फाइंड आउट करना है, सो इधर मैं करूंगा एन माइनस वन, फिर इंटू डी की वैल्यू कितनी है 200, तो मैं 200 लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू 7000। अब पहले मैं 5000 को साइड चेंज करवाऊंगा, प्लस है कैसा हो जाएगा माइनस, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल्स टू 7000 माइनस 5000, 7000 माइनस 5000, इधर एन माइनस वन इंटू 200, 7000 माइनस 5000 क्या हो जाएगा 2000। अभी एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 200 को साइड चेंज करवाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में, सो एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 200, दो जीरो कट, 2 10 जा 20, सो एन माइनस वन इज इक्वल टू 10, लेकिन हमें तो एन चाहिए, माइनस वन को उधर लेके जाओ क्या हो जाएगा प्लस वन, एन इज इक्वल टू 10 प्लस 1, सो एन इज इक्वल टू 11। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर सुब्बाराव्स सैलरी, सुब्बाराव्स इनकम या सैलरी, सुब्बाराव्स इनकम विल बी 7000, will be rupees 7000 after 11 years, it means क्या होगा, स्टार्ट कब की थी उसने जॉब 1995 में 5000, फिर 96, ये सेकंड हमें 11 तक काउंट करना है, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 and अब क्या आया 11 मतलब 2005, so it means in year 2005 में उसकी सैलरी जो है वो 7000 होगी and sum is over। इसके बाद एक sum है 20th sum, वो भी इसके जैसा ही है। देखिए मैं question read कर रहा हूँ, रामकली saved in the first week of a year, सॉरी रामकली सेव्ड रुपीज फाइव इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय रुपीज 1.75। पहले वीक में रामकली कितने रुपीज सेव करती है 5, फिर उसकी वीकली सेविंग जो है रुपीज 1.75 बढ़ती जाती है, मतलब 5 प्लस 1.75 हो जाएगा 6.75, फिर प्लस 1.75, फिर प्लस 1.75, 6.75 के बाद 1.75 ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 8.50, क्या हो जाएगा 8.50, फिर उसमें 1.75 ऐड करोगे तो 10.25 हो जाएगा। तो ऐसे चार सम लिखने हैं और वो भी एपी बनाएगा, ऐसे ही आपको लिखना है, हियर सेविंग्स ऑफ रामकली इन फर्स्ट वीक रुपीज 5, इन सेकंड वीक रुपीज 5 प्लस 1.75 मीन्स 6.75, इन थर्ड वीक
रुपीज 6.75 प्लस 1.75 इज इक्वल्स टू 8.50। लिस्ट ऑफ नंबर्स आर एज फॉलोस, उसमें जो लिस्ट आती है वो लिखनी है, वो भी क्या बनाएगी, मैक्स एंड एपी। उसमें ए 5 आएगा एंड डी 1.75। फिर उसमें पूछा गया है इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम रुपीज 20.75, अगर nth वीक में उसकी वीकली सेविंग 20.75 होती है तो फाइंड n। इसके जैसा ही है, लेट ए एन इज इक्वल टू 20.75 लेके आगे सम आपको होमवर्क में करना है। आंसर बता देता हूँ, n इज इक्वल टू 10 आएगा। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये वीडियो में जितने सम करवाया वो ठीक से एक बार वापस रिवाइज भी कर लेना, देख लेना। दो सम बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फिर एक्सरसाइज 5.3 भी आएगी, ठीक है, उसमें एक और नया फॉर्मूला आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुड बाय।